हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के जो है साइंस टू में। हमारा आज का जो है टॉपिक है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है अंतरिक्ष अवलोकन, यानी कि पूरा नाम है अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीने या दूरदर्शी। तो यानी कि आज हम इस टॉपिक को, जो कि हमारा साइंस टू का लास्ट लेसन है, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अंतरिक्ष क्या होती है, आकाश क्या होता है, आकाश गंगा क्या होती है, सैटेलाइट्स, ग्रह, उपग्रह, ये सब चीज़ें के बारे में नई नई जानकारियाँ हम लेंगे, और इसे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन जो है भी पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। फ्रेंड्स, आप मेरी पूरी मेहनत का एक ही फल होता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेश और नया लेसन, और बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार लेसन, अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीने, दूरदर्शी। आज हम इसमें लेक्चर नंबर वन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है। इसमें जो तीन चार टॉपिक है, प्रकाश के रूप, दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार, अंतरिक्ष की दूरबीन, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। ठीक है, तो इसमें आज हमारा जो है पहला जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है कि आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप बताइए। आपने अपने बचपन से सुना होगा कि आकाश आप देखते हैं अपने सिर के ऊपर, सर उठाते हैं तो आपको आसमान ही दिखाई देता है, आसमान और आकाश एक ही चीज़ है। तो आपको आकाश की परिभाषा बतानी हो तो आप क्या कहोगे, और फिर आप अंतरिक्ष यानी कि स्पेस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर है, ये आप बताइए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपके दिमाग में इसका आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं लास्ट में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि अंतरिक्ष और अवलोकन का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। तो अंतरिक्ष अवलोकन करना मतलब देखना, तो उसमें क्या इसका अर्थ होता है, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं, हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। पुरातन काल से ही मानव ने सूर्य चंद्रमा तारों की ओर कौतूहल से देखने की शुरुआत की। कौतूहल यानी कि कौतूहल का मतलब होता है सरप्राइज होकर, आश्चर्य से, मतलब पुराने ज़माने से ही हमारे जो पूर्वज थे वो सूर्य चंद्रमा तारे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही जो है जिज्ञासु होकर, बहुत ही क्यूरियस होकर देखते थे, और बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत, ग्रह उपग्रह के बारे में जो है बनाए गए हैं। तो केवल आँखों द्वारा किए गए अवलोकन और अपार कल्पना शक्ति की सहायता से उन्होंने आँखों द्वारा दिखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया। आकाश में तारों, नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार बदलती है। इस आधार पर मानव को समझ में आया कि इस स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ संबंध है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण यह आकाश दर्शन उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नक्षत्रों की स्थिति नाविक को भी दिशा दर्शन के रूप में उपयोगी साबित हुई। आकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के मानव ने प्रयत्न शुरू किए, परंतु आकाश के ग्रह या तारों को अधिक पास देखने के लिए मानव के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। ये बहुत पुराने समय की बात है फ्रेंड्स, मतलब कि पहले ज़माने में लोग आकाश देखते थे, जैसे कि सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, गर्मियों में जो है एक साइड से जो सूर्योदय होता है और बहुत देर तक सूर्यास्त होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर चंद्रमा कैसे घटते हैं, बढ़ते हैं, ये सब पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज जब देखते थे तो इसके आधार पर कैलेंडर बनाए थे। भारत के इतिहास में जो है सनातन में बहुत सारे ग्रंथों में नौ ग्रहों के बारे में बोला गया है, नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के बारे में बोला गया है। तो ये जब विज्ञान भी विकसित नहीं हुआ था तब तक हमारे पूर्वजों ने इन सब चीज़ों को लिख के रख दिया था। अब तो वैज्ञानिकों ने नौ ग्रह से 8 ग्रह का नाम लिया है, लेकिन हमारे बहुत सारे चीज़ें नौ ग्रह के आधार पर, जैसे हमारी पूजा होती है तो नौ ग्रह की पूजा होती है, तो लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी खोजा तो नौ ग्रह मिला, लेकिन अब क्या किया गया है कि नौ ग्रह से एक ग्रह को बाहर निकाल दिया गया है तो 8 ही ग्रह कहा जाता है, लेकिन अभी भी खोज जारी है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक ग्रह जरूर होगा, शायद आने वाले दिनों में मिल जाए ना मिले, ये तो विज्ञान की बात है और जो है वो धर्म की बात है। तो यहाँ पे हम विज्ञान की बातें देखेंगे। तो जब पूर्वजों ने जो है नक्षत्रों, ग्रहों, तारों के बारे में अध्ययन किया तो उन्हें मौसम का
अनुमान लगाया कि गर्मी में सूर्य जल्दी उगता है, देर से डूबता है, यानी दिन बड़ा होता है, सर्दियों में दिन छोटा होता है। इन सब चीज़ों को समझा, ऋतु चक्र यानी बारिश के समय बारिश कब होती है, उसमें किस प्रकार की फसल लगानी चाहिए, ये सब चीज़ें उन लोगों ने खोजी। लेकिन उनके लिए कोई उपकरण यानी कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिससे वो ये सब चीज़ों को देख सके, वो केवल आँखों से देख कर ये सब चीज़ों का अनुमान लगा लिए थे। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी और आपको बताऊंगी। आज जो बुक में है वो समझ लीजिए कि गैलीलियो की दूरबीन के बाद पिछले 400 वर्षों में दूरबीन की तकनीकी और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व का अत्यंत विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित हुआ। मतलब कि जो वैज्ञानिक गैलीलियो थे, इन्होंने सबसे पहले जो है दूरबीन की खोज की, और जब दूरबीन की खोज हो गई तो इस क्षेत्र में या मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानकारी, बहुत सी अच्छे यंत्र बनाए गए और उससे बहुत जानकारियां प्रचंड प्रगति की गई है। उसके बाद अनुसंधान के लिए ही नहीं, मतलब अनुसंधान मतलब होता है खोज, खोज के लिए ही नहीं अपितु बल्कि अपने दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, मतलब आज हमारा जो इंटरनेट चल रहा है, मोबाइल चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से घर बैठे, वीडियो देख रहे हैं, इन सब फील्ड में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इसका रोल हुआ है। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, परंतु क्या एक ही प्रकार के दूरबीन से अंतरिक्ष का संपूर्ण निरीक्षण किया जा सकता है? ये प्रश्न है कि जो है क्या एक ही प्रकार के, तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें बहुत सारी देखनी है, तो एक ही प्रकार के अंतरिक्ष का अवलोकन इससे नहीं किया जा सकता है। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए भिन्न भिन्न दूरबीनों का उपयोग क्यों करना पड़ता है? मतलब कि एक से नहीं होता, यानी अलग अलग प्रकार के दूरबीनों का उपयोग करता है, तो ऐसा क्यों करना पड़ता है कि हमें अलग अलग प्रकार के दूरबीनों का उपयोग करना पड़े? ताकि हमें अलग अलग दूरी का ज्ञान प्राप्त करना है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग तारों के लिए, ग्रहों के लिए, उपग्रहों के लिए, इन सब अलग अलग चीज़ों के अध्ययन के लिए अलग अलग प्रकार के जो है उपग्रहों का, अरे दूरबीनों का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या अंतरिक्ष में भी दूरबीनें स्थापित की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसी अनेक बातें के छिपे हुए विज्ञान इस प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिकों का परिचय में एक टॉपिक दिया है, चश्मा निर्मित करने वाले अनुसंधानकर्ता हांस लिपर्से ने, याद कर लीजिए ये नाम, हांस लिपर्से ने जो है 1908 में यह आविष्कार किया कि दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रख कर देखने पर दूर की वस्तु समीप दिखाई देती है, और पहली दूरबीन बनाई। मतलब सबसे पहले हांस लिपर्से ने दूरबीन बनाई थी, पहली दूरबीन। उसके बाद सन 1909 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर उसका उपयोग अंतरिक्ष अध्ययन के लिए किया। मतलब कि दूर की जब चीज़ पास दिखने लगी तो गैलीलियो ने 1909 में क्या किया कि ऐसा दूरबीन बनाया कि जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी अच्छे से देखा जा सके। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आँखों से देखे जा सकने वाले तारों से अधिक तारे अंतरिक्ष में हैं। मतलब जितना हम देखते हैं ना, उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं जिन्हें दूरबीन की सहायता से, जिन्होंने गुरु के चार उपग्रह और सूर्य के दाग इत्यादि की खोज की। मतलब इतने बड़े दूरबीन का आविष्कार किया कि उन्होंने सूर्य के निकट तक चीज़ों को देखा, और गुरु यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसके चार उपग्रह हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया था। मतलब कि गैलीलियो ने ही इसके बारे में पता लगाया था। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे इस क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाश के विविध रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसमें से पूछा जाता है जो है पहले वेव तरंग क्या है ये सब पढ़ लेते हैं, तो मैं बताऊंगी कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की अगर परिभाषा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा है और जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है फ्रेंड, तो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ प्रकाश का एक गुणधर्म है। मतलब प्रकाश की यानी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रकार की तरंग दैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होती है, यहाँ पे NM मतलब होता है नैनोमीटर, उसी प्रकाश को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। जैसे कि ध्वनि कौन सी सुनाई देती है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हम सुन सकते हैं। उसी तरीके से
499 मीटर से ऊपर और 899 मीटर के बीच में जितने भी प्रकाश होती है वो हमारी आंखें देख सकती हैं, ठीक है। इसे ही हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, मतलब जो देख सकें उसे दृश्य प्रकाश या दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। परंतु तरंग दैर्ध्य के अतिरिक्त अन्य तरंग दैर्ध्य का प्रकाश भी होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें उन किरणों के लिए संवेदनशील नहीं है। इसके लिए आगे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये इस तालिका में कई तरह के प्रकाश यानी कि प्रकाश तरंगों का जो है पूरा एक सारणी बनाई गई है, जिसमें दिया गया है कि किस उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है और कौन सी हम तरंग दैर्ध्य देख सकते हैं, कौन सी नहीं देख सकते हैं, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि परावैगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ठीक है फ्रेंड। क्या हम अल्ट्रावायलेट रे को अपनी आँखों से देख सकते हैं, या फिर पूछ सकता है कि 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर तक जो है कौन सी तरंग दैर्ध्य होती है, तो आप बताएंगे अवरक्त किरणें यानी कि इन्फ्रारेड। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बना के घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब रिक्त स्थानों के पूर्ति में, या सत्य असत्य में एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए, रट डालिए, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर दिया है, जैसे किसका दिया हुआ है, पहले दिया है रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव्स, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव, ये 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है। अवरक्त किरणें यानी इन्फ्रारेड जो होती हैं वो 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर तक होती हैं, ठीक है। इसके बाद दृश्य प्रकाश किरणें जो विजिबल लाइट रेज हैं, ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, और अल्ट्रावायलेट रे यानी परावैगनिक किरणें जो होती हैं 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक नैनोमीटर जो होता है 10^9 मीटर के बराबर होता है, और एक पिकोमीटर 10^-12 मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें आपको जहन में रख लेनी होगी, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जो है क्ष किरणें यानी कि एक्सरे जो होता है वो 3 पिकोमीटर से 300 पिकोमीटर तक होता है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारी बॉडी को एक स्कैन, एक तरंग जो है करती है, वेव जाती है, और वो हमारी जो है बोन्स का स्कैन एक्सरे आपको प्रिंट करके मिलता है, तो वो एक्सरे उसको क्षय किरण कहती हैं। फिर गामा रेज जो होते हैं वो 3 पिकोमीटर से भी कम होता है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि दृश्य किरणें जो है ये वाला ही हमारे आँखों को दिखाई देती है जो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। बाकी ऊपर के ये 3 और नीचे के ये 3 हमारी आँखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो ये सब होते हैं, मतलब हमारे आसपास ये सब किरणें हैं लेकिन हम इन सब किरणों को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें से यहाँ पे यही आगे चीज़ें दी गई है कि इनमें से केवल दृश्य प्रकाश किरणों को देखने की क्षमता हमारी आँखों में है, इसलिए अंतरिक्ष से आने वाले दृश्य प्रकाश किरणों को देखने के लिए हम दृश्य प्रकाश दूरबीन अर्थात सादे लेंस या दर्पण से बनाए गए दूरबीन का उपयोग करते हैं। परंतु खगोलीय पिंडों से, खगोलीय यानी कि अंतरिक्ष से, वहाँ से पिंडों से या वहाँ से क्या होता है, इससे दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी प्रकाश निकलता है, मतलब दृश्य प्रकाश के अलावा भी कई प्रकार के किरणें वहाँ से निकलती हैं, जैसे रेडियो तरंग, क्षय किरण और गामा किरण इत्यादि। तो इस प्रकार के किरणों को ग्रहण करने के लिए और उसके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि अंतरिक्ष के अवलोकन के लिए क्या हमें अलग अलग दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के तरंगे निकलती हैं, तो उन तरंगों को पढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार के दूरबीनों का आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज जो है, पहले हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे जो मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो बता देते हैं कि आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं भी जब क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ या टेस्ट लेती हूँ तो ये प्रश्न ज़रूर डालती हूँ 2 मार्क्स में। तो ये है आकाश और अंतरिक्ष में अंतर क्या। देखिए, पहले ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण और इसके भी आसपास का वो माहौल जो केवल आंखों से दिखाई देने वाला भाग होता है उसे आकाश कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। मतलब आकाश जो है पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण और जो हमारी आंखों से दिखाई देता है वो आकाश है, और जो अंतरिक्ष है, अब अंतरिक्ष के बारे में लिखना हो तो लिखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी घटक जिस असीमित और न समाप्त होने वाले
अवकाश में घूमते, अवकाश मतलब निर्वात, जहाँ पर हवा भी नहीं होती है, होने वाले अवकाश में घूमती हैं, ऐसे ही अनंत अथाह असीमित रिक्त खोखले निर्वात को ही अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के सभी घटक, मतलब जिसमें सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्काएं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, उन सबका जिस जो इन्वॉल्व होता है, जो कभी समाप्त नहीं होती और जो पूरे निर्वात में घूमती रहती। मतलब पृथ्वी पे तो हवा है क्योंकि वायुमंडल है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर भी जहाँ वायु नहीं है वहाँ पर भी, और अनंत है जो अनलिमिटेड है और अथाह है असीमित है, ऐसे रिक्त खोखले स्थान को ही क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, तो लिखेंगे कि पृथ्वी पर स्थित दूरबीन या अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन और उपग्रहों की सहायता से ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, नक्षत्र और आकाश गंगा का हम जो अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उस अध्ययन करने अंतरिक्ष के विस्तार और उसकी संरचना को जानने का जो प्रयास करना ही अंतरिक्ष का अवलोकन करना। अवलोकन करना मतलब देखना। और इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये है कि दो तीन पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। दूसरा इसी में जो प्रश्न दिया है कि महत्व, तो पहला पॉइंट लिख देंगे कि आकाश के तारों, ग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंडों की जानकारी हासिल करना, नक्षत्रों की जानकारी अंतरिक्ष अवलोकन के कारण ही प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं आप कि अंतरिक्ष के अवलोकन के कारण ही हमने प्रकाश के विभिन्न रूपों, स्वरूपों, विकिरण और अंतरिक्ष के असीमित विस्तार को समझा है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष को जानने की हमारी इच्छा शक्ति के कारण ही आधुनिक उपकरण जैसे दूरबीन, उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इस इच्छा शक्ति के कारण ही खगोल विज्ञान नामक नई ज्ञान की शाखा का उत्पत्ति हुई है, जिसके आगे चलकर सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखकर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं लंबा न करते हुए इतने पे ही रोकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो है दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।